हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नेहा उपाध्याय और आज के इस खास वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हां, मैं बात कर रही हूं NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। आपने कई बार NSA के विषय में सुना होगा और उसके प्रभावों के बारे में भी जाना होगा। ये बेहद सख्त कानून है, लेकिन क्या आप इस कानून से अवगत हैं? क्या आप जानते हैं कि इस कानून में किस तरह के सजा का प्रावधान है? अगर नहीं तो आइए हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के जरिए जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दरअसल है क्या। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यानी कि सरकार को अगर ये लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। NSA 1980 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्तियाँ देना। यह एक्ट सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर आसान शब्दों में बात की जाए तो यह एक्ट सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। संदिग्ध यानी जिस पर शक हो। हमने अभी जाना कि NSA क्या है, अब जान लेते हैं कि NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधान क्या क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समय अवधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना भी होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। अब बात करते हैं इस एक्ट के इतिहास की, यानी ये कब बनाया गया और इसके पीछे का क्या कारण है। ब्रिटिश रूल से जुड़ा यह एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था की गई थी। उसी के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट लगाया गया, जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई। 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास करा इसे कानून बना दिया। उम्मीद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानकर आपको मदद मिली होगी और आप इसका इस्तेमाल अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।